बात करते हैं आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म लियो को लेकर है। तो थलापति विजय की फिल्म लियो ने बॉक्स ऑफिस में अपना पहला हफ्ता कंप्लीट कर लिया है और अपने पहले हफ्ते में इसने वर्ल्ड वाइड 455 करोड़ की कमाई अब तक कर ली है और लियो की इंडियन बॉक्स ऑफिस में कमाई 265 करोड़ तक रही है। और इसी के साथ ही मूवी थलापति विजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है और अब उम्मीद है कि ये आराम से 600-700 करोड़ तक के आंकड़े को भी पार कर लेगी। वैसे आपने लियो अभी तक देखी है या नहीं, और देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना। दूसरी अपडेट तेजस को लेकर है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस आज सिनेमा हॉल में रिलीज हो गई है और इसे पब्लिक द्वारा काफी पसंद भी करा जा रहा है। बात करें रिव्यूज की तो तेजस को फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा काफी अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं। तो अब देखना होगा कि कंगना की तेजस बॉक्स ऑफिस में कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। तीसरी अपडेट ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर है। तो ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी का काम आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। साथ ही इस बार पार्ट 2 को मेकर्स काफी बड़े लेवल पर भी शूट करने वाले हैं, इसलिए वह ब्रह्मास्त्र 2 की कहानी पर काफी बारीकी से काम कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक फिल्म की स्क्रिप्ट का काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और फिल्म की शूटिंग अगले साल से स्टार्ट भी हो सकती है। चौथी अपडेट डंकी को लेकर है। तो अब कुछ रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि डंकी का टीजर दिवाली के दिन टाइगर 3 फिल्म के साथ थिएटर में रिलीज होगा। कहा जा रहा है कि एसआरके के जन्मदिन यानी 2 नवंबर को फिल्म का पोस्टर और एसआरके का लुक रिवील हो सकता है और फिर टाइगर 3 के साथ ही इस मूवी का टीजर देखने को मिलेगा। वैसे आप टाइगर 3 और डंकी में से किस फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में बताना। और बात करें पांचवी अपडेट के बारे में तो रणबीर कपूर की एनिमल का दूसरा सॉन्ग सतरंग आज रिलीज हो गया है। इस गाने को गाया है सिंगर अरिजीत सिंह ने और एक बार फिर से पहले गाने की तरह हमें इसमें भी रणबीर रश्मिका की जोड़ी दिखाई देगी। वैसे आप एनिमल को देखने के लिए एक्साइटेड हो कमेंट में बताना।